एक लड़का गया ससुराल, तो सास पूछी, ए बेटा हमारी बेटी कैसी है? कुछ नहीं बोल। तुम्हारी माँ कैसी है? कुछ नहीं। अरे तुम्हारा बाप कैसा है? कुछ नहीं। तो उसकी सास सोची शायद लड़का गूंगा है, तो अपनी समधीन को फोन किया, लड़के की माँ को, कि समधीन आपका बेटा बौका है क्या? बोला नहीं नहीं तो बौका नहीं। बोला कहाँ कुछ बोलता है, तो हम कितना कुछ पूछते कुछ बोलता ही नहीं। लड़का जब मेहमानी खा के घर गया तो उसकी माँ ने कही, अच्छा अच्छा भाई देखिए, एक बच्ची जो है वो तकरीबन 3 साल की होगी, 3.5 3 साल 4 साल की बच्ची होगी। ओ किसी की अगर खो गई हो बच्ची, वो स्टेज के पास आ जाए, यहां से लेकर जाए। ठीक है भाई, ठीक है, ले जाए, ऐलान करवा दिया, लेके जाइए उधर, ऐलान भालज है, जाइए, जिसका होगा लेके जाएगा। ये तो ताज्जुब वाली बात है, बताइए, ये सब बच्चा को जलसा माना चाहिए? जिसको घर में रहना चाहिए वो यहाँ है, और जिसको यहाँ रहना चाहिए वो घर में, वो बोल दिया है कि जो मुल परेशान कर जगह जो, और चादर ओढ़ के वो सो गया। बीवी कही होगी, जा ना जलसा में, जा ना जलसा जगह, मौली साहब की बोलते हमारा पता जाए। लड़का पहुंचा घर, माँ ने बोली कि बेटा तूने मेरी नाक कटवा दिया। बेटा बोला क्या हुआ? बोला अरे सास पूछी क्यों नहीं बोला? बोला कि अम्मी हमें शर्म आ रही थी, लाज लग रहा था, इसीलिए हम सास को कुछ नहीं बोले। तो माँ बोली अरे बेटा हाँ बोल देता या ना बोल देता, कुछ ना कुछ बोल देता, हाँ बोल देता या ना बोल देता, कुछ ना कुछ बोल देता। तो लड़का बोला कि ठीक है, अब की बार जाएंगे ना, बोल देंगे। दोबारा ससुराल गया तो सास पूछी, मेरी बेटी ठीक है ना? बोला हाँ। अब सर जब पहली बार ससुराल, दूसरी बार ससुराल गया तो उसकी सास पूछी कि बेटा तुम्हारी माँ ठीक है? तो बोला हाँ। मेरी बेटी ठीक है ना? तो बेटी को पूछू ना, तो पूछे क्या हुआ, तबीयत खराब है? बोला हाँ। बोला डॉक्टर को दिखाए ना? दवाई दिलाए हाँ। मेरी बेटी खाई ना? अजब आदमी भाई। अरे माँ ने बोल दिया था हाँ बोल दे, तो चाहे ना बोल दो तो कम से कम आप हाँ बोलिए, ना बोलिए हाँ बोलिए, एक मरता दोनों हाथ उठा करके सुभान अल्लाह बोले दो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये ना मजमा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी आप जलसे में आए हैं माशाल्लाह। तो हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला नु कहते हैं, या रसूल अल्लाह आप तशरीफ ले चले, 13-14 आदमी का मैंने खाने का इंतजाम किया है। तो अल्लाह के नबी मुस्कुराते हैं, एक टीले पर अल्लाह के नबी तशरीफ चढ़े, खड़े हुए, ऐलान फरमाया, मैदान में ऐलान फरमाया, ओ मेरे सहाबियो सुनो सुनो, हम सब की जाबिर के घर में दावत है। कितने को दावत मिल गई? 1,500 को। अब खाना कितना दिन बना है? 13-14। अब जो दावत देने गया था हजरत जाबिर, वो खड़े थे, बैठ गए, बोले हो गया काम। अब 14-15 आदमी का खाना इंतजाम हुआ है, 1500 को दावत हो गई, बस बैठ बैठ गए। अब बैठ कर फिर खड़े हुए कि जल्दी से भागे, अपनी बीवी से जरा से बोल दे, और वो उठे वहां से अपने बीवी को बताने के लिए, पीछे से अल्लाह के नबी ने आवाज दिया, ओ जाबिर मुझे पता है तू भागा क्यों जा रहा है, ए जाबिर सुनो, जब तक मैं ना आऊं गोश्त की हांडी को चूल्हे से नीचे ना उतार, ओ जाबिर जब तक मैं ना आऊं रोटियां बनाना शुरू ना करना। अल्लाह के नबी तशरीफ ले गए, लोआबे दहन लेते हैं, गोश्त की हांडी में डाले, लोआबे दहन लिया, आटा में मिलाए, रोटियां बनाना शुरू करो, 10-20-25-50 आदमी बैठते जाओ, खाते जाओ, खाते जाते फारिग होते जाते, यहां तक के 1500 सहाबा शिकम शेर होकर खाना खा लिए, पेट भर कर
खाना खा लिए। हजरत जाबिर फरमाते हैं जिसके घर में दावत है, जिसके घर में दावत थी कि कसम है उस रब की जिसके कब्जे में जाबिर की जान है, सारे लोग शिकम शेर होकर खाना खा चुके। जब मैंने गोश्त की ढक्कन हांडी के ढक्कन को खोल कर देखा तो जितना गोश्त पहले था उतना गोश्त अब भी मौजूद। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते जाबिर इन हड्डियों को जमा करो, वो जो गोश्त खाया था हड्डियां थी, इन हड्डियों को जमा करो। हड्डियों को जमा किया गया, अल्लाह के नबी दस्ते मुबारक फैलाते हैं कि या अल्लाह आपने हम सबको खाना खिलाया है, जाबिर की इस बकरी के बच्चे को जिंदा कर दे रहे। सुभान अल्लाह बोले तो माशाल्लाह। हाँ हाँ हाँ, वो बकरी का बच्चा जिंदा हुआ कि नहीं हुआ? दस्त को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया। क्या अच्छा, बात है। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह। कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। दस्त को चमन बना दिया, क्या दर्द, कांटों को गुलाब कर दिया। दस्त को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया, कांटों को गुलाब कर दिया। मुस्तफा ने जिसको छू लिया उसको लाजवाब कर दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, हरमाए कराम, मोहब्बत रसूल, इश्क रसूल, जनाब मौलाना सोहराब साहब कलकत्तवी। हाय हाय हाय, जिंदाबाद। मुस्तफा ने जिसको छू लिया उसको लाजवाब कर दिया। या अल्लाह जाबिर के इस बकरी को जिंदा कर दे। अल्लाह के नबी के जबान से ये दुआ निकलनी थी, अल्लाह ने उस बकरी के बच्चे को जिंदा फरमाया। हजरत अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते जाबिर ये बकरी का बच्चा भी ले जा, अपनी रोटियां भी उठा कर ले जा, मेरा अल्लाह हम सबको खाना खिला भी दिया, पानी पिला भी दिया। सुभान अल्लाह बोले दो माशाल्लाह। तो अपने मेहमान का इकराम करो, अपने मेहमान की खिदमत करो। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, यहाँ बहुत सारे मेहमान अभी आज जलसे हो रहे हैं, यहाँ पर हर घर में मेहमान है। हर घर में मेहमान है कि नहीं? हर घर में मेहमान होगा, हर घर में मेहमान होगा। ओ हो, एक 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 गाँव में, एक गाँव में ये रवाज था। वहां रस्म ये है कि जो भी मेहमान आता ना, खाना जब मेहमान के सामने पेश किया जाता तो खाने के साथ एक लट्ठी भी आती थी। एक नौजवान पहुंचा था और उसको मालूम नहीं था वहां के रस्म रिवाज के बारे में। खाने का टाइम जब रात में हुआ, दस्तरखान बिछा, पानी बिछा, प्लेट आ गई। अब वो खाना जो लाया ना, तो खाना के साथ में थाल में एक बड़ी बड़ी सी लट्ठी लाया, मोटी लट्ठी लाके लट्ठी बगल में रखा, खाना रखा। तो मेहमान पूछा कि भैया लट्ठी लट्ठी की है ते? तो लड़का बोला नहीं, इसका काम खाने के बाद होगा। बताइए मेहमान खाना खाएगा? अब ये लड़का परेशान हो गया, पसीना पसीना हो गया, बोला कि नहीं भैया पहले बोला की काम चाहिए लट्ठी का। बोले नहीं नहीं बता सकते हैं, अभी नहीं बताएंगे, इसका काम आप खाना जब खा लीजिएगा तब पता चल जाएगा आपको। बोला नहीं भैया भूख खत्म बैग लो। अब वो खाना खाया कि नहीं है, ए इसके लास्ट में मैं बताने की आपको कोशिश करूंगा। मौजूद सामईन इकराम, नकीब हिंदुस्तान, ये ऐसा नकीब है कि जिससे जलसे में पहुंच जाए उस जलसे की कामयाबी की जमानत है। अल्लाह ने हर तरीके से नवाजा है, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपकी इजाजत हो तो तौबा की नीयत से, कबूलियत की घड़ी है, कबूलियत का वक्त, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हम सब तौबा करेंगे इंशाल्लाह अपने गुनाहों से। कितने लोग तौबा करेंगे, जरा हाथ उठाओ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह एक बात याद रखिएगा, इस कुर्ता को धोने के लिए हजरत एक साथ मदीने में सुना दीजिए, एक साथ मदीने में, एक साथ मदीने में सुने दोस्तों, इस कुर्ते को धोने के लिए गंदा हो जाए, आपका शर्ट अगर गंदा हो जाए, एक बाल्टी पानी चाहिए, एक बाल्टी पानी चाहिए कि नहीं? भाई एक बाल्टी पानी में हो जाएगा ना? लेकिन कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों,
ये कुर्ता गंदा है, साफ करने के लिए एक बाल्टी पानी की जरूरत है। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा सारी जिंदगी गुनाह किए हो, आंसू का सिर्फ एक कतरा बहा दो, मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दूं। सुभान अल्लाह, आंसू का एक कतरा बहाओ, सारी जिंदगी के गुनाहों को मैं धो डालूंगा, मैल कुचैल सारे पाक कर दूंगा, और ऐसा पाक कर दूंगा जैसे अभी कोई बच्चा माँ के पेट से पैदा हुआ। तीन बोल बोलो मेरे साथ। हदीसों के अंदर में आता है अगर तुम्हारा गुनाह जमीन के जर्रा से भी ज्यादा क्यों ना हो, आसमान के सितारों से भी ज्यादा क्यों ना हो, दरख्तों के पत्तों से भी ज्यादा क्यों ना हो, समंदर के झाग के बराबर तुम्हारा गुनाह क्यों ना हो, जमीन से लेकर आसमान तक तुम्हारा गुनाह भर क्यों ना गया हो, तीन बोल बोल लो, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। अल्लाह सारे गुनाहों को माफ फरमा कर अल्लाह तुम्हें महबूब बंदा बना लेगा, अल्लाह तुम्हें अपना दोस्त बना लेगा। वो तीन बोल क्या है? बोलो अल्लाह मेरी तौबा, बोलो अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। जब गुनाह हो जाए शैतान बरखला दे, शैतान परेशान कर दे, जब गुनाह हो जाए तो तौबा कर लेना, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। एक मर्तबा बोल लो अल्लाह अकबर कबीरा। हदीसों के अंदर में है अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि अगर बंदा दिन के अंदर में सुबह से लेकर शाम तक 70 मर्तबा अगर गुनाह हो जाए, 70 मर्तबा तौबा कर लो, अल्लाह 70 मर्तबा तौबा को तेरी अपनी बारगाह में कबूल फरमा। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे, गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे, खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सिया नहीं छोड़ा, खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सिया नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा।